Hello everyone, I am Samshi. I am Arthur. From here we are explaining agriculture of different areas. There are agriculture is mostly two types, intensive agriculture and extensive agriculture. In intensive agriculture, as we can see, from equator to 30 degree north and 30 degree south, हम यहाँ पे सिर्फ अनाजी फसलें उगाते हैं. Intensive agriculture mostly पैडी, वीट, राइस इन सब के लिए जाना जाता है. हम मेनली इसमें नोमैडिक हर्डिंग भी करते हैं. मेनली इसका मेन पर्पस जो होता है वो कंजप्शन के लिए होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए. एंड नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है एक्सटेंशिव एग्रीकल्चर. इस पर 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में होता है. इस पर इसका मेनली पर्पस ये होता है, कमर्शियल पर्पस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए होता है. इसके दो एग्जांपल हैं, एक है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग फार्मिंग होती है. सेकेंड है डेयरी फार्मिंग, इसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है. ये दोनों ही एग्रीकल्चर जो होते हैं वो लेबर ओरिएंटेड होते हैं और इस पर मशीनों का भी उपयोग होता है. थैंक यू.